आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस किस तरह से अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट्स करती हैं, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं, ये हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डेटर्स सिस्टम, जिसके मुताबिक ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। इसके बाद है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और फिर है फाइनल अकाउंट्स सिस्टम। तो इन तीनों सिस्टम में पहले हम देखते हैं डेटर सिस्टम क्या होता है। डेटर सिस्टम के अंदर जो हेड ऑफिस होता है ब्रांच, हमने देखा ब्रांच क्या होती है। जब एक कंपनी चल रही है और उसकी सेल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, डिफरेंट एरियाज़ में हो रही हैं, तो वो जो मेन कंपनी है वो अपनी डिफरेंट जगह पर ब्रांचेस खोल लेती है, उसे हम लोग ब्रांचेस कहते हैं। अब जो हेड ऑफिस होता है वो क्या करता है, वो अब ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो जब हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, और ये स्मॉल साइज ब्रांचेस में होता है जिनका टर्नओवर या सेल बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इसको हम लोग कहते हैं डेटर्स सिस्टम के मुताबिक ब्रांच खोला, जो अकाउंट्स हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं, जिसमें हेड ऑफिस ब्रांचेस के अकाउंट्स मेंटेन करता है और अपने पास एक सेपरेट अकाउंट खोलता है जिसको ब्रांच अकाउंट कहते हैं, और ब्रांच की सारी इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस में ही रखी जाती है। और जो हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट अपने पास मेंटेन करता है, उस अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारे ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो टेम्प्रेरी तौर पर, मतलब आरजी तौर पर जो अकाउंट खोले जाते हैं, और जिस वक्त हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट खोलेगा आरजी तौर पर तमाम इन्फॉर्मेशन ब्रांच की मेंटेन करेगा, बाद में जब फाइनल अकाउंट्स बनेंगे उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देगा और फिर ब्रांच अकाउंट्स क्लोज हो जाएगा। तो इस सिस्टम के मुताबिक जो अकाउंट्स बनाता है हेड ऑफिस, उसको हम लोग डेटर्स सिस्टम कहते हैं। डेटर्स सिस्टम के बाद हमारे पास है स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम। डेटर्स सिस्टम में हम सिर्फ हेड ऑफिस में ब्रांच अकाउंट बनाते हैं और ब्रांच से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन को उस ब्रांच अकाउंट में लिख दिया जाता है। अब जो स्टॉक एंड डेटर्स सिस्टम है वो कौन यूज़ करता है, वो उस इसमें वो ऑर्गेनाइजेशन या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके ब्रांचेस का टर्नओवर या सेल बहुत ज़्यादा है, वो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के मुताबिक ब्रांच अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। और जिस लेवल का कंट्रोल हेड ऑफिस का ब्रांच अकाउंट ब्रांच पर या ब्रांच के अकाउंट्स पर होता है डेटर सिस्टम में, उससे ज़्यादा यहाँ पर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में वो अडॉप्ट करेंगे जिनका कंट्रोल, जिन हेड ऑफिस का कंट्रोल ज़्यादा होगा। स्मॉल साइज ब्रांच नहीं होगी, लार्ज साइज ब्रांच होगी, और हेड ऑफिस का कंट्रोल भी ज़्यादा होगा, वो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। और इसके अलावा जैसे यहाँ ब्रांच अकाउंट सिर्फ खोला जाता है, तो स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में ब्रांच डेटर अकाउंट भी खोला जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट खोला जाएगा, मतलब हर एक्टिविटी से रिलेटेड या हर ट्रांजेक्शन से, एक ही तरह की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट अकाउंट्स यहाँ पर खोले जाते हैं। और जिसमें हमने लिखा कि जो गुड्स हेड ऑफिस सेंड करेगा ब्रांच को, उसका भी एक अकाउंट मेंटेन करेगा। अब ब्रांच के एसेट्स हैं, उनका एसेट का भी अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, एक्सपेंसेस हैं उनका भी अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम के बाद जो तीसरा सिस्टम है जिसके मुताबिक ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन किए जा सकते हैं, वो है फाइनल अकाउंट्स सिस्टम। अब फाइनल अकाउंट सिस्टम में क्या होता है, जो इसमें मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अब यहाँ हेड ऑफिस क्या करता है कि अगर एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को ट्रांसफ़र कर रही है गुड्स, और वो कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड हुआ है, यानी जो चीज़ भेजी है, यहाँ हम लिख लेते हैं सेल हुई, और सेल जो है वो जो चीज़ें भेजी जा रही हैं उनकी सेल प्राइस या इनवॉइस प्राइस है 1 लाख, लेकिन इनको बनाने पर जो कॉस्ट आई थी वो कॉस्ट है रुपीज़, यहाँ लिख लेते हैं करेंसी रुपीज़ है, कॉस्ट है 70,000। तो अगर फिगर जो हैं वो सेल प्राइस पर भेजी थी 1 लाख पर, तो अगर इनवॉइस या सेल पर कोई चीज़ हेड ऑफिस ने ब्रांच को ट्रांसफ़र की है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा कॉस्ट पर। और इसमें तमाम ट्रांजेक्शन्स की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, कुछ भी मिस नहीं किया जाता। मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हम लोग आम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग तमाम एक्सपेंसेस, इनकम, सेल्स सब कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ
अगर सेल हुई है कोई चीज़ सेल प्राइस पर, वो भेजी गई है एक डिपार्टमेंट, एक हेड ऑफिस से दूसरी ब्रांच में, डिपार्टमेंट से दूसरी जगह पर, तो ये फिर कन्वर्ट की जाएगी कॉस्ट पर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो चीज़ कॉस्ट पर लिखी जाएगी। और यहाँ पर फाइनल अकाउंट सिस्टम में जो ब्रांच अकाउंट सेपरेटली बनाती हैं, हेड ऑफिस में बनाया जाता है, उसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं जो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होती हैं, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के दरमियान अकर हुई होती हैं, सिर्फ उनको ब्रांच अकाउंट में लिखा जाता है, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन ब्रांच की उसके लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और उससे फिर प्रॉफिट, यहाँ हम लिख लेते हैं पी बाय एल, प्रॉफिट एंड लॉस जाना जाता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर। और इसी तरह जो हमने ऊपर देखा डेटर सिस्टम और स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, ये भी डिफरेंट तरीके हैं ब्रांचेस के अकाउंट्स मेंटेन करने के, और अकाउंट्स मेंटेन करके हमारा मकसद इससे यही होता है कि हम प्रॉफिट या लॉस जानें। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रांचेस के अकाउंट्स तीन सिस्टम्स के मुताबिक बनाए जाते हैं, एक है डेटर सिस्टम, दूसरा है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, और तीसरा है फाइनल अकाउंट सिस्टम।